गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने कल के लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट टर्म्स, बताया था इम्पोर्टेंट टर्म्स डेफिनेशंस जो पैटाइटस जनरल रिलेटेड है और जनरल टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस है, क्या क्या वन वर्ड वाले आंसर सुनते हैं जो उनको पढ़ना चाहिए जो उनको याद है। तो कल मैंने आपको बताया था मॉडरेशियस डाइशियस क्या होगा, आगे फिर जब हम बात करें कि लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दो लाइफ साइकिल के फेजेस हैं टेरिडोफाइटा में और उसकी हमने बात करी। तो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखने की है कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन का आपस में एक्सचेंज कैसे होता है। तो एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है कि दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं जिससे गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक में और स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक में चेंज। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है आपको भी याद रखनी है वो है मियोसिस। मैंने आपको बताया था कि जब स्पोर मदर सेल जो बनती है स्पोर के अंदर, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। अब मियोसिस होने से एक स्पोर मदर सेल क्या करती है, चार स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, चार स्पोर्स बनाती है, टेट्राहेड्रल स्पोर टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। अभी जो स्पोर मदर सेल थी ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और जब इसमें मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हो, रिडक्शन डिवीजन भी उसको बोलते हैं, तो जब ये होता है तो जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड या हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे क्योंकि ये मियोसिस का रिजल्ट है और चार बनेंगे, चार स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, एक स्पोर मदर सेल चार स्पोर्स का फॉर्म होता है। अभी स्पोर्स कैसे भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन होगी तो सारे एक से होंगे, हेटरोस्पोरस कंडीशन होगी तो डिफरेंट तरह के होंगे, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे और यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगी या मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पोर बना है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज मियोसिस, मियोसिस कहाँ पर, जब स्पोर मदर सेल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी वो यहाँ पर खत्म हुई और उससे क्या बन गया, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, ये स्पोर्स हैप्लॉइड है। तो बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ रिडक्शन डिवीजन मियोसिस डिप्लॉयड फेज कन्वर्ट्स इनटू हैप्लॉइड फेज, मींस स्पोरोफिटिक जनरेशन से और हम गैमेटोफिटिक जनरेशन में आ गए। इसीलिए मैंने आपको बताया था जब हमने जनरल कैरेक्टर से बात करी थी कि स्पोर मदर सेल द लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन की ये आखिरी कोशिका होती है, इसके बाद जैसे ये रिडक्शन डिवीजन हुआ स्पोर, तो स्पोर के फॉर्मेशन के साथ ही गैमेटोफिटिक फेज आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना हमको याद रखनी है और जो आपको मैंने कल बताई थी उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन कुछ नहीं होता, निषेचन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजोइट मैंने आपको बताया था, चल के जाएगा कहाँ तक, जहाँ पर एग होगा और वहाँ से फिर ये एंट्री लेगा, क्रोमेटिड का इंफेक्शन होगा और ये एंट्री लेगा जाके एग तक पहुँच जाएगा एंथ्रोजोइट, तो वहाँ पर फिर एग और एंथ्रोजोइट का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। अब एंथ्रोजोइट हैप्लॉइड है क्योंकि स्पोर तरीके स्पोर का क्या नाम होता है, स्पोर जब जनरेट करेगा आगे जाकर गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण करेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट्स में आप जानते हैं जो गैमेटोफिटिक फेज है वो कैसा है, थैलस फॉर्म में, तो ये मेल और फीमेल बनाएगा अगर हेटरोस्पोरस कंडीशन है, तो गैमेटोफाइट बना, स्पोर का सेक्शुअल ऑर्गन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, सेक्स ऑर्गन्स का और फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होगा, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई या आपस में दोनों फ्यूज करें और इनके फ्यूज करने से क्या बनता है, जाइगोट बन गया, मीन्स अब जो मेल न्यूक्लियाई या एंथ्रोजोइट कह दीजिए वो हैप्लॉइड था या एग कह दीजिए हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में दोनों फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट। कैसा होता है, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के साथ ही वापस स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाता है, इसलिए जाइगोट को कहा जाता है फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक
जेनरेशन, ये फर्स्ट कोशिका होगी क्योंकि अब यहां से इसको रिप्रोडक्शन हो तो खत्म कहां हुआ था, लास्ट सेल कौन सी हो गई थी, स्पोर मदर सेल। जानो को भी याद रखनी, जानो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर मदर सेल लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोर फर्स्ट सेल था गैमेटोफिटिक जनरेशन का, गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हुआ था सही फर्स्ट सेल था। ये खत्म कहां पर हो गया, यहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मींस स्पर्मेटोजोइट और एग, दोनों को हम कहते हैं लास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि जैसे ही इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बन जाता है और फिर और डेवलपमेंट फेज प्रोटोफिटिक फेज आ जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, तो मियोसिस और दूसरा फर्टिलाइजेशन, ये वो तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनकी वजह से पेराटोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो एम्प्लॉयड और डेवलप्ड फेज में, बीच स्पोरोफिटिक फेज में और गैमेटोफिटिक फेज में इंटरचेंज होता रहता है, इसी को ऑर्डिनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और ये जो ऑर्डिनेशन ऑफ जनरेशन है ये पेराटोफाइटा के अंदर हेटरोमॉर्फिक है, पेराटोफाइट्स की तरह से हेटरोमॉर्फिक का मतलब दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी जो पीढ़ियां होंगी उनका जनरेशन होगी, उनका फॉर्मेशन हो। एक होमोफाइट है, होमोफाइट आप जानते हैं, होमोफाइट है रूट स्टेम लीफ है यहाँ पर और यहाँ पर फैलर्स, तो दिस इज होमोफाइट। होमोफाइट का मतलब हो गया रूट स्टेम लीफ पे डिवाइडेड है और ये कैसा है फैलर्स, और ये इसी का प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये शो करता है कि डायोफाइटा से जो है आपका टेराडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी है मुख्य पादप शरीर और ये कौन सा है थैलस वाला पार्ट सेकंड है और दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, दोनों का जगह अलग अलग है जहां बनती है और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स फूड न्यूट्रिशन, दोनों अलग अलग जगह बनेगी, एक दूसरे को कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईचर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं। इससे पहले देखिए एंटी में देखिए पेराफाइटा में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट बाद में आता है और वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग जनरेशन बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच, इससे आगे जब पढ़ेंगे तो स्पोरोफाइट मुख्य पादप शरीर ही रहेगा लेकिन गैमेटोफाइट क्या होगा डिपेंडेंट हो जाएगा इसके ऊपर आपके स्पोरोफाइट के ऊपर, उसको न्यूट्रिशन वहीं से मिलेगा, उसको रहने की जगह वहीं से मिलेगी, इसके ऊपर फूड एंड स्पेस के ऊपर वो दोनों चीजों के लिए वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये पेराटोफाइट्स का एक क्लियर कैरेक्टर है जिसको हमको थोड़ा सा याद रखना है और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों चारों चीजें पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपको लाइफ साइकिल, कल मैंने आपको बताया था कि हमें जाइगोट जो है हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो में रेस्टिंग फेज नहीं होता है टेराटोफाइट्स में और रेस्टिंग फेज नहीं होने की वजह से आप यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इमीडिएटली ये जनरेट करके और नया प्लांट वापस बनाना, जो स्टोरी है फोर्स है आपने आपको बताया तो नौ टेराटोफाइट्स हैं जिनके अंदर होता है और उसमें से एक पर्टिकुलर प्लांट जो हमारा है स्लेजेनेला जिसके बारे में हमने बात करी थी कि उसके अंदर सीड हैबिट पाया जाता है, ये सीड बनने की प्रकृति है लेकिन सीड नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है बिकॉज जो रेस्टिंग फेज आना चाहिए एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद और सीड कोट का जो इंटेगमेंट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि सीड कोट बन सके, नहीं बनता है सीड तो बना ही नहीं, तो सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता लेकिन सीड बनने की प्रवृत्ति है। तो स्लेजेनेला के अंदर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सीड हैबिट कौन से टेराटोफाइट में पाया जाता है, उसका आंसर है स्लेजेनेला। तो जो मेंबर जो पढ़ेंगे हम उसके बारे में जब बात करेंगे स्लेजेनेला और उसके बारे में बात